मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से है, जहां हनुमान तहसील अंतर्गत मिसरगवा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि मिसरगवा गांव में हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज जिले के आला अधिकारियों ने दिशा निर्देश पर मऊगंज जिले में हनुमाना तथा शाहपुर थाना लौर मऊगंज पुलिस ने कार्यवाही की है। जिले के बाहर से पुलिस बल भी बुलाया गया था। आपको बता दें कि अतिक्रमण मुक्त करते दौरान यह हनुमाना SDM मऊगंज, SDM हनुमाना तहसील सहित कई तहसीलदार मौजूद रहे। हेलो, अपना कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, जमीन का मालिक मैं ही हूँ। मैं जिला प्रशासन मऊगंज का खासकर कलेक्टर महोदय, SP महोदय, एडिशनल SP महोदय, SGOP मैडम, दोनों SGM साहब, SGM हनुमाना एवं SGM मऊगंज, तहसीलदार हनुमाना, नायब तहसीलदार खटखरी, तहसीलदार मऊगंज, थाना प्रभारी हनुमाना, थाना प्रभारी मऊगंज, थाना प्रभारी शाहपुर, थाना प्रभारी लौर, मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस अतिक्रमण को हटाया। जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। इस अतिक्रमण हटाने कोई बाधाएं तो नहीं बन रही? नहीं, SDM साहब के मार्गदर्शन में अतिक्रमण अच्छे से हट गया बिना किसी समस्या के। अतिक्रमण हटाया क्या है? ये गांव मिसरगवा का मामला है। ग्राम मिसरगवा के आवेदगढ़ ब्रिज कुशोर पिता वंश गोपाल ब्राह्मण वगैरह के द्वारा जो है अपने भूमि खसरा नंबर 1429/1, 1429/2, 1429/3, 1429/4, 1429/5, 1426/1, 1427/3, 1428/1, 1428/2 के अंश रकबा पर अतिक्रमण जो है अनावेदक गण जमाहिर साकेत, जानकी साकेत, रघुनाथ साकेत पिता प्रहलाद साकेत, रामगति साकेत पिता जंगीलाल साकेत, विश्वनाथ साकेत पिता भूअर साकेत, फगुनाथ साकेत पिता भूअर साकेत, सुखचयन साकेत पिता जमाहिर साकेत, ये सभी मिसरगवा के निवासी लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था। इनके विरुद्ध जो है आवेदक गणब्रिज किशोर वगैरह द्वारा तहसील न्यायालय में वर्ष 2022 में बेदखली का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे तहसीलदार हनुमाना द्वारा 23/6/2022 को बेदखल कर दिया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध जो है अनावेदक गण SDM साहब हनुमाना में अपील किए थे, तो वो अपील भी अनुभागीय अधिकारी हनुमाना के द्वारा जिनके प्रकरण क्रमांक 57 अपील 2023 आदेश दिनांक 17/10/22 के द्वारा अपील निरस्त कर दिया गया, क्योंकि ये भूमि आवेदक गणों की सीमांकन शुदा भूमि है, रोड के किनारे है, और उस रोड के किनारे इनके द्वारा अतिक्रमण कर लेने से आवेदक गण जो है भूमि स्वामी अपने भूमि में नहीं जा सक रहे थे। फिर इन्होंने क्या किया, SDM साहब की अपील के विरुद्ध जो है अपर आयुक्त महोदय के यहाँ निगरानी किया अनावेदक गण द्वारा, तो निगरानी किया। इसे भी जो है माननीय कमिश्नर महोदय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के द्वारा उनके प्रकरण क्रमांक 283 अपील 2022-23 आदेश दिनांक 6/7/2023 के द्वारा
इनकी अपील निगरानी निरस्त किया जा करके और तहसीलदार के आदेश को यथावत रखा गया और फिर तहसीलदार द्वारा जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, लेकिन अनावेदकगण द्वारा वाद विवाद और विवाद निर्मित करने के कारण अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। हाई कोर्ट के आदेश के बाद नहीं अभी बता रहा हूँ। तो इसके विरुद्ध क्या हुआ कि नहीं हटाया जा सका विवाद उत्पन्न करने के कारण, तो आवेदकगण द्वारा जो है हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दिया गया और रिट पिटीशन माननीय हाई कोर्ट की रिट पिटीशन क्रमांक 6008/2024 के आदेश दिनांक 1/4/2024 के द्वारा एक तहसीलदार के आदेश का क्रियान्वयन करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके पालन में आज जो है जिला मऊगंज की पूरी राजस्व टीम और पूरी पुलिस टीम, हमारे टीम में जो है माननीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय SDM साहब द्वय हनुमाना और SDM साहब मऊगंज, SDOP मैम मऊगंज और थाना प्रभारी मऊगंज हनुमाना शाहपुर लौर, यहाँ की पूरी पुलिस बल और अतिरिक्त पुलिस बल भी जो है रिवर्स से मंगाया जा करके ये माननीय हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जा करके अनावेदक गणों को आवेदक की भूमि से बेदखल किया गया है। नहीं बाधाएं तो नहीं, क्या है 14 तारीख को ही मेरे द्वारा नोटिस जारी कर दी गई थी कि इस तारीख को जो है माननीय हाई कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन किया जाना है, अतः आप लोग जो हैं वो तो भूमि से अपना अतिक्रमण हटा लें, ये कि कोई भी जनधन की क्षति होने पर जो है उसके जिम्मेदार आप होंगे, कोई ऐसा विवाद प्रतीत नहीं हुआ और नहीं हुआ शांतिपूर्वक हुआ। आवेदक अनावेदक गण जो है अपना सामान हटा लिए थे जो है ये छोटे छोटे टपरा टाइप के जो मकान है, एक ही पक्का जो है निर्माण किया गया था वो और बाकी 5-6 जो हैं ये कच्चे मकान टाइप के झोपड़ी में थे उनको हटाया गया है। सर SDM साहब द्वारा बताया गया कि कहीं और ऐसा है अतिक्रमण हटाने को, क्या है? हाँ अतिक्रमण है वहाँ भी, लेकिन अब चूँकि बाहर से पुलिस फोर्स मंगाई गई है तो अभी SDOP मैडम बोल रहे हैं कि उसके लिए फिर से कार्य योजना बनाया जा करके वो किया जाएगा कहीं। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगड़ाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र ₹150 प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है ₹525 प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोरहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9969316257 8962758722 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।